सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर सोपान वाली जी, यहाँ पे बिनस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर जी। सोपान सर, आप मुझे बताइए कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने की जो कहानी थी, जो शुरुआत थी, कहाँ से हुई, क्यों ऐसा लगा आपको कि आपने डॉक्टर ही बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है, शुरू से ही मुझे एक चीज़ का बड़ा इंटरेस्ट रहा है, क्रिटिकल पेशेंट्स, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ऐसे पेशेंट लोगों का ट्रीटमेंट करना और ऐसे पेशेंट को ठीक करना, वो पेशेंट जब ठीक होने के बाद घर जाते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे देखना, ये जो चीज़ है ये शुरू से ही मुझे अट्रैक्ट करती रही है। तो शुरू से ही मेरा डॉक्टर बनना और स्पेशली क्रिटिकल केयर में, आईसीयू में ही काम करना, ये मेरा दिमाग में तभी से फीड हो चुका था, इसीलिए फिर डॉक्टर भी बना। और मैंने मोस्टली मेरा जो काम है वो सब आईसीयू से रिलेटेड ही रहता है, तो इसलिए मैं आईसीयू में ही ज़्यादा रहता हूँ, आईसीयू के सभी सीरियस पेशेंट्स को देखता हूँ, सीरियस पेशेंट की केयर करता हूँ, और वही मेरा एक पैशन भी है। जैसे आपने कहा कि आप आईसीयू में रहते हैं और सीरियस पेशेंट ही देखते हैं, सीरियस हालात जो है अभी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, मार्च 22 के बाद से कोरोना के पेशेंट भारत में होना शुरू हुए, आज स्थिति ऐसी गंभीर है कि नागपुर में बहुत सारे पेशेंट हैं, ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको बेड तक नहीं मिल रहे, लेकिन वीनस हॉस्पिटल में यहाँ बेड अवेलेबल करके फुल रूप ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या कहेंगे? ये जो कोविड पैंडेमिक पूरी दुनिया में भी फैल चुका है, पूरी दुनिया पूरी परेशान है, भारत देश भी परेशान है, नागपुर में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, तो हमने एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमारा हो चुका है, बिनस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, और यहाँ पे हमारे आईसीयू में बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हम लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हम एडमिट करते हैं जिन्हें बहुत सारी जगह से रिजेक्ट भी किया जाता है या फिर उनको बेड नहीं अवेलेबल होने के कारण वापस किया जाता है, लेकिन जहाँ पे भी पॉसिबल है हम ऐसे पेशेंट को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, पूरी केयर करते हैं, पूरी सेवा देते हैं, और 24 घंटे राउंड द क्लॉक पूरी लगन के साथ पूरा ट्रीटमेंट देके ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होकर घर जा रहे हैं, उसके बाद फिर जो उनके फीडबैक्स आते हैं, जो रिएक्शंस आते हैं ठीक होने के बाद, वो देख के हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस और डबल ट्रिपल 4 times 100 times हो जाता है, और ऐसे ही पेशेंट जब ठीक होकर ये जब फीडबैक हमें देते हैं, वही हमारा स्ट्रेंथ है, वही हमारी एनर्जी है, और उसी एनर्जी के साथ हम फिर से नए पेशेंट के पीछे लगते हैं उनको ठीक करने के लिए, उन्हें ठीक करके घर भेजने के लिए। कोरोना की इस महामारी के दौरान ऐसा देखने में आया है, डॉक्टर फैटलिटी, पूरी डॉक्टर टीम बहुत ही जद्दोजहद से पेशेंट की जान बचाने के पीछे लगी होती है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं फुल प्रूफ तरीके से नहीं हो पाता, कुछ छोटे मोटे हालतों के जैसे पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसे में देखा गया है अलग अलग हॉस्पिटलों में परिजनों द्वारा झगड़े किए जाते हैं, अलग अलग रूमर्स किए जाते हैं, कोरोना के इस पैंडेमिक में हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एज ए डॉक्टर आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये तो पूरे दुनिया में बहुत सारी जगह पे और सभी बहुत सारी जगह पे ये सब इंसिडेंसेस हो चुके हैं, जहाँ पे किसी बहुत सीरियस कोविड पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो जो परिजन है, रिलेटिव्स है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं, प्रॉब्लम तैयार करते हैं, और ये एक जगह पे नहीं, ये इंडिया में भी है, पूरे दुनिया में सभी जगह पे, बहुत सारी जगह पे ये सब इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने ही इस बात को समझना चाहिए, जनता ने ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि डॉक्टर्स अपने सभी पूरे कोशिश कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, कोविड ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है, जब लंग्स आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो कुछ कुछ सीरियस पेशेंट का बचना लगभग इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो जाता है, तो ऐसे वक्त अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो रिलेटिव्स, जनता, इन्होंने इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि ये सीरियस कंडीशन थी, डॉक्टर ने अपनी कोशिश की, अपना पेशेंट नहीं बच पाया, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ऐसे कंडीशन में उस हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम तैयार करना या फिर उसके सोसाइटी में कुछ ऐसे डॉक्टर्स का या फिर ऐसे हॉस्पिटल के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है, इससे डॉक्टर्स का मोरल्स कभी कभी डाउन होता है, बाकी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स फिर और अलर्ट हो जाते हैं, और इससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में ये एक फियर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, उसको लेना चाहिए या नहीं, अगर जनता सपोर्ट करे, अगर जनता अगर पूरी तरह से डॉक्टर्स को सपोर्ट करे, हॉस्पिटल को सपोर्ट करे, तो मुझे तो लगता है कि हर सीरियस पेशेंट को कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा, ज़रूर पूरी कोशिश करेगा, पूरे ट्रीटमेंट देगा, और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि ऐसे सीरियस पेशेंट भी अच्छी तरह से
ठीक होके निकल जाए। डॉक्टर डे है आज, आज डॉक्टर डे है, डॉक्टर के लिए स्पेशल आप जितने भी ऐसे न्यू कमिंग है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या ऐसे जो पेशेंट है जो डॉक्टरों की मदद की वजह से ठीक होकर अपनी लाइफ जी रहे हैं, इनको क्या संदेश आप देंगे? मैं तो एक ही मैसेज दूंगा कि जिसे भी ऐसा लगता है ये फीलिंग है कि मुझे सोसाइटी के लिए या फिर जनता के लिए कुछ करना है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मीडियम, दिस इज द बेस्ट वे। एक डॉक्टर बनके आप सिर्फ किसी मरीज की जान नहीं बचा रहे हो, आप समाज में एक ये भी मैसेज आप दे रहे हो कि आप अपने एफर्ट्स के साथ, आप एफर्ट्स लेके किसी की जान भी बचा रहे हो, किसी की फैमिली बचा रहे हो, अपने शहर को बचा रहे हो, अपने देश को बचा रहे हो। और एक व्यक्ति की हम जान जब बचाते हैं तो हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने शहर को आप सुरक्षित कर रहे हो। तो ये जज्बा अगर किसी, ये फीलिंग अगर किसी न्यू कमर्स में, नए जनरेशन में अगर है, तो डेफिनेटली जिसको लगता है कि इस टाइप का सोशल वर्क, इस टाइप का सोशल एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको और कोई फील्ड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, एक अच्छे डॉक्टर बनिए, एक डेडिकेशन के साथ काम करिए, आप बहुत अच्छा काम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं।